लेकिन इस बीच एक दर्शक है मिस्टर पीके सिंह गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरा सवाल जो है वो सेकेंड होम लोन और कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे लगभग 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, तो क्या मैं अगर सेकेंड होम लोन लेके एक और घर लेता हूँ तो उसमें मुझे क्या इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन मिलेगा? ये पहला क्वेश्चन है। ओके। और जो एग्जिस्टिंग लोन है आपका, उस पर ऑलरेडी आप एग्जम्पशन ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहा हूँ। ठीक है, आप बने रहे मिस्टर सिंह फोन लाइन पर, क्योंकि आपका जो सवाल है इसमें दरअसल दो चीजें आपने पूछी है। एक तो ये कि दूसरा मैं लोन लेता हूँ उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी टैक्स छूट को लेकर कि ब्याज पर कितना छूट ले पाएंगे, और उससे भी अहम सवाल इनका इनफैक्ट हर्ष कैपिटल गेन्स को लेकर है। कोई क्लैरिटी आप चाहेंगे इनसे? तो सिंह साहब, दो चीजों का जवाब दीजिए। एक तो ये जो 30 लाख का कैपिटल गेन्स आप बोल रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है पहली बात, और ये जो दूसरा घर आप खरीदेंगे उसका क्या करेंगे, उसको भाड़े पे लगाएंगे या उसको आप खुद के इस्तेमाल के लिए या परिवार के इस्तेमाल के लिए रखेंगे? हाँ, ये प्रॉपर्टी से ही गेन हो रहा है मुझे, इन प्रोसेस है वो, और उसको भी मैं खुद के लिए ही यूज रखूंगा, तो रेंट पे नहीं दूंगा। ओके, यानी दो प्रॉपर्टी आपके खुद के यूज के लिए हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसको दो सवालों को दो हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं। पहला रहा सवाल कि क्या जो जब नया घर आप खरीद रहे हैं उस पे जो लोन ले रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट डिडक्टिबल होगा? बिल्कुल डिडक्टिबल होगा। ये लोगों की गलत फहमी है कि सिर्फ एक ही घर का पे इंटरेस्ट डिडक्टिबल होता है, या मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। जो मैक्सिमम लिमिट है वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है। आपके केस में आपने 2 घर खुद के लिए रखे हैं, हर साल आपको चूज करना होगा कि कौन सा घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करेंगे, तो दूसरा घर ऑटोमेटिकली उसको रेंटेड आउट ट्रीट किया जाएगा, और उसका जो भी नोशनल रेंट वैल्यू है, अगर उसको आप भाड़े पर देते तो कितना भाड़ा मिलता, वो वैल्यू पर आपको टैक्स देना होगा। उसमें 30% डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड, और प्लस जितना भी ब्याज हो बिना लिमिट के टोटल डिडक्शन मिलेगा। और अगर उसकी वजह से लॉस हो रहा है, अगर नोशनल रेंट कम है और 30% डिडक्शन और कंप्लीट ब्याज के डिडक्शन के बाद अगर नुकसान हो रहा है, सो दैट लॉस आप सैलरी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जवाब था आपके डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट का। कैपिटल गेन्स, अगर एक घर बेचकर आप दूसरा घर खरीदते हैं, तो अगर आपके दूसरे घर की कीमत, जितनी भी कैपिटल गेन्स आपके पहले घर में हुई, अगर दूसरे घर की कीमत उससे ज़्यादा है, तो आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा। वो घर आपको 2 साल के अंदर खरीदना पड़ेगा, या 3 साल के अंदर उसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो एक लिमिट है। और अगर आप अगले 31 जुलाई तक अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसे डालने पड़ेंगे। जी, तो आपके दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया है, कैपिटल गेन्स को लेकर भी, और साथ ही दूसरे लोन पर जो ब्याज है उस पर कितना आप छूट ले पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते